Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं। Dear students, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अपनी assignments number 5 दी थी करने के लिए, तो उम्मीद है आपने इसको फिर कुछ काम किया होगा। आप कैसे किया है वो आपका माइंड था, आपका थिंकिंग थी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर उसी प्रोजेक्ट्स को मैं करता तो वो कैसे करता। आए अभी मैं आपको उस चीज के बारे में बताता चलूं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको दोबारा से वो ड्राइंग दिखाना चाहूंगा। बेसिकली ये हमारे पास वो ड्राइंग थी जो मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेसन में बनानी है। इसमें जो मेन चीजें थी वो सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपको कन्फर्म होना चाहिए आपके पास ये जो 444 यानी कि 44 का आपके पास जो एरिया आ रहा है ये आपके पास कैसे आ रहा है, ठीक है। देन फिर आपके पास 228 का जो एरिया है ये आपके पास क्या चीज है। देन आपके पास 560 का जो एरिया आ रहा है, फिर आपके पास 27 का जो एरिया आ रहा है, इस तरह से ये तमाम चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसी लेसन को। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे 444 की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इधर आ जाओ तो अपने पास अपना प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ। ओपन किया AutoCAD मैंने ओपन किया। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ नीचे की जानब 444, एंटर में कर देता हूं। तो ये मेरे पास 44 की बेस पे जाकर लाइन ड्रा हो चुकी है। इसके बाद मुझको यहां पे नीचे एक सर्कल लगा देना था इसके। अब ये सर्कल मेरे पास कितना था, आइए इसकी वैल्यू द्वारा से हम चेक कर लेते हैं। मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 228 की वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो 228 ड्रॉ करेंगे अपने पास। मैं यहां पर आ गया, मैंने वैल्यू टाइप की है 228 की। तो मेरे पास क्या हुआ, एक सर्कल ये ड्रॉ कर आ चुका है 228 का। तो वापस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे जो मेरे पास टोटल वैल्यू थी बेसिकली ये 228 की थी, लेकिन यहां पे मैं वैल्यू थोड़ी सी कल ड्रॉ कर गया हूं। वापस आप सर्कल लेंगे, इधर मिडल पे क्लिक कर दें, डी एंटर कर दें, और अब 228 यानी कि टोटल वैल्यू से क्या बना था, डायमेंशन डायमीटर जो इसका था वो आपके पास 228 का था, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास जो चीज आ रही है वो मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास इधर टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक लाइन आ रही है। ये देखें, ये मेरे पास एक लाइन है यानी कि सर्कल जहां से खत्म होता है वहां पे मेरे पास एक लाइन है। फिर उसके अंदर मेरे पास एक ये एक और मेरे पास रेडियस आ जाता है जिसकी वैल्यू कितनी है, 108 का। तो सबसे पहले मैंने 54 का इसके अंदर फासला बना देना है दो लाइनें लगा के, फिर उसके ऊपर मैंने 27 का रेडियस लगा देना है। तो आए यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, 54 का मैं इधर डाया लगा देता हूं यानी कि दो लाइनें लगा दूंगा जिनका ऑफसेट बीच में होगा, कितना टोटल 54 का होगा। अब इसके लिए आपने करना क्या है, आप अपने पास कैलकुलेटर को ओपन कर लें अपने सिस्टम से, या ऐसा कर लें AutoCAD के अंदर ही CAL टाइप कर दें कमांड टाइप्स के अंदर। अब आपके पास 54 को डिवाइड कर दें 2 पे तो 27 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपने ऑफसेट ले लेना डियर स्टूडेंट्स 27 का, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट आपने दोनों तरफ ये फासला ले लिया अपने पास, ठीक है। अब देखिए मैंने ये ले लिया, अब यहां पे जो मेरे पास ये जो सर्कल था इसको मैं मूव करके ऊपर ले जाऊंगा, मेरे पास ये एरिया उसका बन जाएगा, और उधर मेरे पास 27 का मैं से रेडियस दे दूंगा। तो आए सबसे पहले आप इसे मूव कर दें, मैं इसको मिडल से टॉप तक मूव करके लेकर चला जाता हूं। ये देखिए ये मेरे पास इधर तक ये मूव करके आ चुका है। अब आपको 27 का यहां पर एक रेडियस शो कराना है, वो आप दे देंगे। अब वो कैसे देंगे, F से फिलेट, R से रेडियस कितना है 27। ये मेथड मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर ही बता दिया था। तो देखा आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास कर्व बना हुआ आ चुका है। अब आप इसे ट्रिम कर देंगे, ये लाइनें यहां से इधर से, इधर से भी ट्रिम हो जाएगी और इधर से भी ट्रिम हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो लाइनें बीच में है कहीं भी उनको सिलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। और अगेन देखें आपके पास यहां पर 108 का रेडियस बना हुआ आ रहा है इस जगह पे। अब वो 108 का रेडियस है, और 1, 2, 3 ये जो तीन लाइनें हैं ये 56 के सर्कल डायमीटर के अंदर आ रही हैं। तो कर रहे हैं क्या हम लोग, मैं इसे फिलेट के अंदर जाऊंगा, रेडियस के अंदर जाऊंगा, 108 का मैं इसे रेडियस दे देता हूं। एक पॉइंट ये दिया, दूसरा मैंने पॉइंट इसको ये दे दिया, फिर देखें एक पॉइंट ये दिया, दूसरा मैंने इसको ये दे दिया, तो मेरे पास ये पॉइंट्स बना हुआ आ गया। तो मेरी शेप लगभग रेडी हो चुकी है। अब 56 था मेरे पास वहां पे, यहाँ 56 का मेरे पास डाय है, इसके अंदर मेरे पास 1, 2, 3 ये तीन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे फिर CAL कैलकुलेटर उठा लें, 56 को डिवाइड कर देंगे अगेन 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 28 की। आप ऑफसेट ले लें कितना, 28 का। डियर स्टूडेंट्स सिंपल 28 है, ना तो ये फिट्स है ना तो ये इंच है,
तो ये एक मरतबा बन गया। अगेन इसको दोबारा से आपने यही ऑफसेट्स फिर साइन करवा देना है। अब आप एक सर्कल उठाएंगे कहीं भी से क्लिक कर दें यहाँ पे और फिफ्ट डी इंटर कर देंगे, डी के बाद 58 आप इसे दे देंगे और मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ये मैंने अभी अभी बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम ये चीज मेरे पास बनकर आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड के ऊपर काम करना होगा। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से डियर स्टूडेंट्स आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप इन्हीं वीडियोस की ओरिजिनल डीवीडी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा xpacademy@ymail.com, या आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0343-901-7779 पर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।